In this series of videos, I am going to show you some mathematical tools. If you want to begin physics or you are doing physics, these mathematical tools will be very, very, very helpful to you. अगर आप physics पढ़ना चाहते हैं, तो इन mathematical tools के बगैर physics पढ़ना almost impossible है. इन tools के बीच में हम cover करेंगे कुछ basics trigonometries का, trigonometry, calculus जिसमें हम differential calculus जिसको आप डिफरेंशिएशन, इंटेग्रल कैलकुलस जिसको आप इंटीग्रेशन बोलते हैं, कुछ उनके फार्मूलाज और कुछ ट्रिक्स. सो अपकमिंग वीडियोस जो भी मेरी अभी आने वाली है 4-5 वीडियोस, इन सभी में हम सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स कवर करेंगे. ये टूल्स आपको फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियोस. थैंक यू वेरी मच. लेट्स बिगिन. डिफरेंट ये आपको फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज होगी, गारंटेड है, यूज होनी होनी है. क्यों यूज होगी? क्योंकि इससे हमारे को स्लोप पता चलती है, इससे हमारे को किसी भी बड़ी चीज को छोटे करने का तरीका पता चलता है. हमने कुछ सैंपल कलेक्ट करने, हम उसको से डिफरेंशिएट करते हैं. हम किसी की रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना हो तब वहां डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मैंने एक बहुत बड़े एरिया का कुछ चीज कैलकुलेट करनी. लेट अस से ये है गुजरात और ये है केरला. अब मैंने पत्थर गिनने, कितने पत्थर है गुजरात से केरला के बीच में. अब एज सच तो मैं पत्थर गिन नहीं सकता कि यहाँ गुजरात से शुरू हूँ और गिनना शुरू कर दूँ तो एरर लेने के ज्यादा चांस है. मैं करता हूँ इसको पूरे को छोटे छोटे पीसेस में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, छोटे छोटे पीसेस में. अब जैसे ये पोर्शन के मैंने स्टोन गिन लिए, इसके गिन लिए, इसके गिन लिए, इसके गिन लिए, मतलब इसको मैंने बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट में जब मैंने डिवाइड कर दिया, बड़ी चीज को छोटे पार्ट में तोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. बड़ी चीज को छोटे पीस में तोड़ना और उसके बाद उन सभी को इकट्ठा जोड़ना, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन. बड़ी चीज को छोटे में तोड़ना, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन. और छोटी छोटी चीजों को जोड़ना बड़ा बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन. थोड़ा सा समझते हैं कि अगर y एक फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मुझे क्या निकालना है उसका, डिफरेंशिएट करना है उसको. तो अगर मैं इसको डेफिनेशन की तरह से देखूं तो जो dy अपॉन dx है वो लिमिट डेल्टा x इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. अब मुझे पता है आपको समझ नहीं आओगे क्या लिख दिया. प्लस वन की स्टेज में मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं तो वो बोलते सर क्या है, पहली बात तो ये लिमिट क्या है ये हमारे को पता नहीं, फंक्शन क्या है वो हमारे को पता नहीं, ये डेल्टा एक्स कहाँ से लिया है पता नहीं. और अगर मान लो डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो ये जीरो पुट करके इन्फिनिटी हो जाएगा, सर वो क्या हो गया. तो देखो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ये इसकी डेफिनेशन है. हमारे को फिजिक्स में ये यूज नहीं होगी, फिजिक्स में हमारे इसके फॉर्मूलाज यूज होंगे ज्यादातर. ये जस्ट इसकी डेफिनेशन, इसको लिखने का तरीका. लिमिट मतलब कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो जा रहा है डेल्टा एक्स, लेकिन जीरो नहीं है. जीरो होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, बस जीरो के बिल्कुल पास में है, कभी भी जीरो को जस्ट टच कर रहा है. तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है. अगर हम इसका जो हम यूज करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा ये है कि y इज इक्वल टू x रेज टू पर n, जो फंक्शन था वो x रेज टू पर n. ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन करने का जो सिंबल होता है वो इसको लिखते हैं dy अपॉन dx. मतलब किसको डिफरेंशिएट करना, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना. अब यहाँ पे मतलब कि x के विद रिस्पेक्ट टू मैंने डिफरेंशिएट करना, तो कुछ नहीं करना, n को आगे लगा देना, x की पावर n माइनस वन कर देना. कुछ नहीं करेंगे, n को आगे ले आएंगे, x की पावर n माइनस वन कर देंगे. n को आगे ले आएंगे, x की पावर n माइनस वन कर देंगे. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास y इज इक्वल टू x रेज टू पर 7 दिया हुआ और मुझे बोले कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा dy अपॉन dx निकालने के लिए. मैं क्या करूंगा, 7 को आगे ले आऊंगा और x की पावर 7 माइनस वन, मतलब कि 7 इंटू एक्स की पावर 6. ये इसका डिफरेंशियल या इसको ये उसकी डिफरेंशिएशन करके वैल्यू आ जाएगी.
और अगर एग्जांपल देखें हम, अगर मैं बोलूं कि मेरे को y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर 7 प्लस एक्स रेस्ट पर 5 दिया हुआ, तो मुझे डिफरेंशिएशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं निकालूंगा dy अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही 7 नीचे आ जाएगा, एक्स रेस्ट पर 7-1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 नीचे आ जाएगा, एक्स रेस्ट पर 5-1, मतलब कि dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 7x6 प्लस 5x4 हो जाएगा। ये उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो कि काफी यूजफुल है, इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर दूसरा देखूं मैं, कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू c इंटू एक्स रेस्ट पर एन हो, तो कुछ नहीं होगा, वाई इज इक्वल टू सी इंटू एन इंटू एक्स रेस्ट पर n-1। अब देखो ऐसे देख के समझ नहीं आता, अगर मैं क्वेश्चन मेरे पास दिया हो वाई इज इक्वल टू 4x7 हो जाए, तो कुछ नहीं होगा, मेरे को डिफरेंशिएशन निकालने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये पावर आपको पता नीचे आ जाती है 4 × 7 इंटू एक्स रेस्ट पर 7-1, मतलब कि dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 28 इंटू एक्स रेस्ट पर 6। ये हमारी थी इसकी फॉर्मूला। उसके अलावा अगर मैं देखूं, मेरे पास क्वेश्चन दिया हो 70x5 प्लस 4x6 और मुझे बोले कि इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, तो क्या होगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये 70 × 5 इंटू एक्स रेस्ट पर 5-1 प्लस 4 × 6 इंटू एक्स रेस्ट पर 6-1, ये क्या बनेगा, 350 एक्स रेस्ट पर 4 प्लस 24 एक्स रेस्ट पर 5। ये हमारे पास टर्म है जो काफी यूज होती है। इसके अलावा जो हमारे पास एक चीज है उसको बोलते हैं हम यूवी फॉर्मूला, कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, कि वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी दिया हो और बोले कि इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, तो इसका फॉर्मूला ध्यान से नोट करना, डीवाई अपॉन डीएक्स क्या होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, हमारे को समझ नहीं आ रहा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी जस्ट नोट कर लो कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड की डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन आए वाई इज इक्वल टू x+3 इंटू x+1, अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे को पता ही है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन बन जाएगी, ऑफ कोर्स हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट वो फॉर्मूला सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। dy अपॉन dx कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको मैं u मान लू, इसको मैं v मान लू, एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारे पास तरीका है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता था, कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे अगर मान लो वाई इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, कांस्टेंट मतलब कि 3, 4, 5, 6, 5, 10, 15, 100, π, e और सिंपल ही हो, इसकी पावर कुछ ना हो, तो कांस्टेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dy अपॉन dx, इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो उसकी डिफरेंशिएशन होगी जीरो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होती है। अगर मान लो मेरे को दिया हो y इज इक्वल टू
फाइव, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा इसका? जीरो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी इसकी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होती है। और अगर मेरे को वाई इज इक्वल टू अकेला एक्स दिया हुआ है तो इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी हो तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? अच्छा, जहां कुछ नहीं होता वहां वन होता, अब क्या आ जाएगा? वन आ गया, आ जाएगा एक्स रेज टू पावर वन माइनस वन, तो वन इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो, और समथिंग रेज टू पावर जीरो जो होता है वो हमेशा वन होता, तो वन ही आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। कि अगर वाई इज इक्वल टू एक्स दिया हो या कला अकेला एक्स हो तो उसकी डिफरेंशिएशन वन होती है। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन हो एक्स रेज टू पर सेवन अपॉन टू प्लस सेवन अपॉन एक्स रेज टू पर फोर, ये दिया हो, अब देखो मेरे पास ऐसे डिनोमिनेटर करने की कोई है नहीं, मैं इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस में चल जाएगी। एक्स रेज टू पर सेवन अपॉन टू प्लस सेवन इंटू एक्स रेज टू पर माइनस फोर, है ना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने आपको बताया वन बाय टू ऐसे रहेगा, पावर आगे आ जाएगी सेवन, आगे आ जाएगा एक्स रेज पर सेवन माइनस वन हो जाएगा, प्लस सेवन एज इट इज रहेगा माइनस फोर आगे आ जाएगा एक्स रेज पर माइनस फोर माइनस वन। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा जी? सेवन बाय टू इंटू एक्स रेज पर सिक्स माइनस 28 एक्स रेज पर माइनस फाइव, ये डिफरेंशिएट करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक। अगर मैं देखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और एक्स रेज टू पावर फोर माइनस एट, और बोले डिफरेंशिएट बाय द हेल्प ऑफ यूवी फॉर्मूला। यूवी फॉर्मूला मतलब कि दो पार्ट्स वाला, यू इसको यू मान लेते हैं, इसको वी मान लेते हैं। हमारे पास वही फॉर्मूला, हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो अभी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? फोर आगे आ जाएगा, एक्स रेज पर फोर माइनस वन मतलब कि थ्री हो जाएगी, प्लस एक्स रेज पर फोर माइनस एट एज इट इज, इसकी डिफरेंस क्या हो जाएगी? टू आगे आ जाएगा और एक्स की पावर टू माइनस वन, और ये जो थ्री है वो कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन जीरो ही होती है। ये बन जाएगा टू एक्स, ये हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। Hope you like the video. Thank you very much. If possible, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.